फर्स्ट ऑफ ऑल सबको कॉन्ग्रेस करना चाहूंगी, 100 एपिसोड कंप्लीट हो रहे हैं, कैसा लग रहा है? थैंक यू वेरी मच। आज मुझे बहुत खुशी है कि हमारी मुमता आर्ट्स के जो टेलीविजन शो है जो डीडी नेशनल पर चल रहा है, आज उसका 100 एपिसोड कंप्लीट हुआ है। और मैं मुबारकबाद देना चाहूँगा अपनी पूरी यूनिट को, अपनी टीम को, ये मेरे जितने स्टार्स बैठे हुए हैं यहाँ पर, इन सबको, कि इन सब की वजह से इन्होंने इतना अच्छा काम किया है फिल्म का शो में, और इतना टेक्नीशियंस ने अपनी मेहनत की है। आज शो हमारा पॉपुलर है, उसकी टीआरपी भी अच्छी आ रही है, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं और ये इवेंट भी कर रहे हैं। तो आप जानते होंगे कि हमारा अपना तत्कार जी हैं, सॉरी नाम सुप्रिया जी हैं, इनका असल नाम बताऊँ। देखिए, सबसे बड़ी बात जो अजीब बात है फिल्मों में और टेलीविज़न में, कि टेलीविज़न में लोग कैरेक्टर के नाम से सबको जानते हैं और फिल्मों में हमेशा हमारे पर्सनल नाम से जानते हैं। तो मुझे बड़े मुश्किल हो जाता है कि मैं इनको कैरेक्टर के नाम से बुलाऊँ या इनके नाम से बुलाऊँ। मैं चाहूँगा कि ये खुद ही कहें अपने बारे में और अपने दो दो लाइन बताएं अपना एक्सपीरियंस कि उनको कैसे अच्छा लगा। लेकिन मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत खुश हूँ इनकी जो उत्साह देख के, इनकी कला, इनकी प्रतिभा देख के और इनकी लगन देख के। क्योंकि कोई भी शो या फिल्म जो है तब तक अच्छा नहीं बन सकता जबकि सब सामूहिक रूप से आके इसमें पैशन से काम करें। तो मैं चाहूँगा कि आप एक एक का पहन कर लीजिए कैमरा ले लीजिए। इन्होंने अमृता जी हैं, अमृता का रोल किया है। आप अपना पहले नाम भी खुद असली नाम बताइए, फिर कैरेक्टर का नाम बताइए, फिर फिल्म में क्या रोल है, तो कैसा लगा? चार चार बात धन्यवाद। आइए, नमस्ते, मेरा नाम है सुप्रिया तटकर और जानकी में मैं अमृता प्रसाद का कैरेक्टर निभा रही हूँ। अमृता प्रसाद जोशी प्रसाद की वाइफ है, सेकंड वाइफ, और बहुत ही ग्लैमरस एंड बहुत ही रिचनेस है कैरेक्टर में, शो ऑफ कैरेक्टर, जैसे आज के पेज 3 एलिट वोमन जैसी होती है मुंबई की, तो वो कैरेक्टर भी प्ले कर रही हूँ और बहुत ही मज़ा आ रहा है कैरेक्टर प्ले कर। मैं रियल लाइफ में तो ऐसी हूँ नहीं, लेकिन टोटली ऑपोजिट है इन द कैरेक्टर, लेकिन बहुत अच्छा है। द सेट इज़ अमेजिंग, द लोग जो है डायरेक्टर्स एवरीबडी, द डीओपी, द कोएक्टर्स, ऑल आर फैबुलस, और एक कंप्लीट मुझे ना एक कंप्लीट डिफरेंट ओपिनियनेटेड लेडी है ये दैन द अदर लेडी हु इज़ अपोजिट मी, हु इज़ माई, हु इज़ कनिका दीदी माँ। तो उनके और मेरी काफ़ी सारी दर्शनबाजी और राइवलरी दिखाई है, जैसे एक एक पुराने विचारों की औरत और एक नए ज़माने की औरत, तो वो डिफरेंस आपको देखने मिलेगा मेरे कैरेक्टर में वर्सेस द अदर कनिका। और आपने बहुत अच्छा काम किया, इतना मैं देख सकता हूँ जो मैंने अभी देखा है, और पब्लिक के लिए जो व्यूज़ हैं अच्छा है। ये मुकेश जी के बारे में जो उन्होंने सत्यन का रोल किया, मुकेश जी आप बताइए। नमस्ते, मेरा नाम है मुकेश त्रिपाठी और जो मैं पात्र कर रहा हूँ उसका नाम है सत्यन ब्रह्मिका होता है। ये जानकी का फॉस्टर फादर है जो कि उसका पालन पोषण करता है, और जो ये फैमिली है वो गूढ़ संस्कार से भरी हुई है। रूढ़वादी भी कर सकते हो, क्योंकि रूढ़वादी मैं हूँ तो मेरी पत्नी है वो थोड़ा मॉडर्न है, तो दोनों का एक कॉम्बिनेशन बहुत खूबसूरत दिखाया गया है। मैं कहीं थोड़ा सा पतंग को ढील देता हूँ तो ये खींचती है, ये कहीं खींचती है तो मैं पतंग को ढील देता हूँ। और जो वाकई बहुत खूबसूरत लिखा गया है, जब लिखा जाएगा तो हम ये भी अच्छा कर पाएंगे, खूबसूरत लिखा गया है। और मैं अच्छा कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ वो सुभाष जी ने ये नंबर दे दिए कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं और ऑडियंस को पसंद आ रहा है, तो उससे हमारा उत्साह और बढ़ जाता है अच्छा करने की कोशिश। एक होता है कि किसी ने कहा कि आप अच्छा करो, अच्छा करें यानी कि आप हमारी मेहनत और डबल हो गई है, अब हमें और मेहनत करनी पड़ेगी। तो जानकी की जो जर्नी है उसमें उसके पापा यानी कि मैं और उसकी माँ जो कि मधु का कैरेक्टर प्ले कर रही है, उसको तो सपोर्ट करते हैं, अच्छे बुरे की समझ, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, और जानकी भी यानी कि मॉडर्न युग में उसने जन्म लिया है लेकिन माँ बाप का कहना मानती है, और क्योंकि संस्कार ही चल गया है, दादू दोस्त उसके खास दिखाए हैं, तो दादू प्लस में उसका जानकी का पापा, तो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रेजेंट किया गया है। आपने काम भी बहुत नेचुरल किया है, मैं ये कह सकता हूँ कि यू आर वंडरफुल एक्टर, गॉड ब्लेस यू, आप बहुत तरक्की पाएंगे जो भी मैं आशा कर सकता हूँ।
विश्वास कर सका। मैं आपके सामने हमारे हैं जगी मेहता, ये बहुत ही अच्छे आर्टिस्ट हैं और अच्छे इंसान हैं। मैं चाहूँगा कि ये खुद की तारीफ खुद ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। खुद की तारीफ खुद करना वैसे अच्छा तो नहीं लगता, मैं सर करते हैं तो। सो मेरा नाम जगी मेहता है और मैं इस शो में मधु का किरदार प्ले कर रही हूँ। मधु बहुत ही वर्सेटाइल कैरेक्टर है, इसमें बहुत सारे शेड्स हैं जो कि हार्ड वर्किंग है, अपनी फैमिली के लिए बहुत रिस्पॉन्सिबल है, सबके लिए रिस्पेक्ट है, अपनी बच्ची के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड है, वो ज़रा भी उसको तकलीफ़ में नहीं देख सकती। अपने हस्बैंड के लिए भी उसका एक अलग रुझान है, बहुत ज़्यादा इमोशनली बॉन्ड दोनों एक दूसरे का साथ देते हैं हर अच्छे बुरे सिचुएशन में। तो ये कैरेक्टर एक तरीके से देखा जाए तो बहुत ही हिंदू सभ्यता से रिलेटेड है और जो कि एक रियल विमेन पावर जो बताई गई है वही है। घर में रहकर घर का काम करना, अपने परिवार को संभालना एक सबसे बड़ी पावर होती है। बाहर जाके नारी काम करती है, दैट इज़ बिगेस्ट थिंग, लेकिन घर में रहकर घर का भी काम करना, बाहर का भी काम संभालना, अपने परिवार को जोड़ के रखना, एक इमोशनल बॉन्ड बना के रखना। सो मुझे लगता है कि ये कैरेक्टर धीरे धीरे बहुत ही पावरफुल होते गए एंड आई एम एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ दिस कैरेक्टर एज इट वॉज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मी टू प्ले द मदर ऑफ जानकी, बट इट्स ओके, आई एम फीलिंग काइंड ऑफ बॉन्ड विद ईच एंड एवरी एक्टर, सो आई एम डेफिनेटली एंजॉइंग दिस। बहुत खूबसूरत लिखा गया है और सर ने बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट सर का, सो ऑफकोर्स दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट शो। थैंक यू वेरी मच। हमारे अगस्त जी हैं, एक होता है नायक, एक होता है खलनायक, तो हमारे पूरे शो के अंदर एक खलनायक ये है, लेकिन खलनायक की जिम्मेदारी ज़्यादा हो जाती है, he has to be a better actor, better performer. सब लोग अच्छा कर रहे हैं, तो डबल आगे उसे उठा कर रखो, फिर तरीके से निकल जाएगा।